दोस्तों घाई बॉय देसी किचन पे आपका स्वागत है। और ये देसी किचन हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया देसी जो घरेलू तरीके से जो खाना हम बनाते हैं वो बना के मैं दिखाता हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी, और ऐसी फिश करी आपने कभी इतनी आसान फिश करी आपने कभी लाइफ में नहीं देखी होगी और लाइफ में नहीं बनाया होगा। ये एकदम फटाफट बन जाएगा, तो इससे ज्यादा आसान फिश करी कहीं नहीं है। तो ये मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा फिश करी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ये फिश करी काफी सिंपल बना रहा हूं मैं, इसमें कम से कम मसाले डालेंगे, कम से कम ऑयल डालेगा, काफी हेल्दी, काफी सिंपल, काफी टेस्टी, ये तो लाजवाब स्वादिष्ट टेस्टी बनेगा। तो देर ना करें, हम फटाफट चलते हैं किचन की ओर, चलते हैं। चलिए मैं आपको किचन की ओर लेके चलता हूँ। फिश करी बनाने के लिए हमने लिया है, देखिए ताजा फिश लिया है। फिश करी बनाने के लिए हमने लिया है एक प्याज बड़ी साइज, और हमने लिया है लहसुन। लहसुन हमने थोड़ा सा कम लिया है, ज़्यादा लहसुन नहीं लेने हैं आपको, कम लहसुन लेना है। एक हरी मिर्च लिया है, टमाटर लिए हैं तीन छोटे छोटे साइज के, तीन लिए, आप दो बड़े साइज के ले सकते हैं, और धनिया लिया है। और हमने लिया है जीरा पाउडर एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, और हल्दी पाउडर एक चम्मच, और लाल मिर्च हाफ चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हाफ चम्मच मिक्स करके हमने ऐसे पेस्ट बना लिया है। अब हम लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। हमारी लहसुन और प्याज की जो पेस्ट है वो रेडी हो चुकी है। हम जो टमाटर हमने लिए थे उसका भी हम लोग पेस्ट बना लेते हैं, प्यूरिया पेस्ट हम बना लेते हैं टमाटर का। हमारा टमाटर का जो पेस्ट था वो भी हमारा रेडी हो चुका है। अब पहले हम फिश को फ्राई कर लेते हैं। तो फिश फ्राई करने के लिए हम इसको ऊपर थोड़ा सा डाल लेते हैं नमक, स्वाद अनुसार डालना है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, अब हम इसे मिक्स करेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए और हल्दी डालिए, हल्दी डाल के दोनों को आप मिक्स कर दीजिए, अच्छे से सारे फिश में लग जाए ऐसे आप लगा दीजिए। हमने फिश में हल्दी और नमक मिक्स कर लिया, अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम अभी फिश फ्राई करेंगे तो हम अभी तेल डाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से डालिए कि फिश फ्राई करने के लिए कितना तेल डालना है। हमने लगभग एक कटोरी तेल डाल दिया है। तेल हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें फिश डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लिया है, और इस फिश फ्राई को हमने कैसे किया, हमने हल्दी और नमक मिक्स करके फिर हमने इसको फ्राई किया। अब हम बनाते हैं फिश करी। तो चलिए फिश करी पे शुरू करते हैं बनाना। कढ़ाई हमने बिठा दिया था, तो अभी हम दो चम्मच तेल डाल लेते हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और प्याज का जो पेस्ट हमने बना के रखा था, हम उसे डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा भून लीजिए, प्याज हमारा भुन चुका है। तो हम अभी इसमें डालेंगे टमाटर पेस्ट, टमाटर का जो पेस्ट हमने बनवाया था वो हम डालेंगे इसमें। तो इसमें आप टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए। अब ये आप टमाटर का पेस्ट और प्याज और लहसुन का पेस्ट एक साथ आप कुछ टाइम के लिए भून लीजिए। ये हमारी बन जाएगी ग्रेवी। ये आप इस टमाटर पेस्ट, लहसुन और प्याज का पेस्ट जो है इसको डालने के बाद आप इसे कुछ टाइम के लिए 5 मिनट के लिए भून लीजिए। हमने इस पेस्ट को 5 मिनट भून लिया, ये पूरा भून चुका है आप देख सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और धनिया का जो हमने बना के रखा हुआ था, जीरा धनिया का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था उसको हम डालेंगे। हमने जीरा धनिया और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हमने इसमें डाल दिया। अब इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, अब आप 1-2 मिनट के लिए ही सिर्फ भुनिए। अब हमारा 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी आपको ग्रेवी जितना चाहिए उतना पानी डालिए। फिश की क्वांटिटी को भी आप देख लीजिएगा, अगर आपके फिश की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पानी डालिए। तो हम इसमें डालेंगे 3 ग्लास पानी डालेंगे हम।
हमने 3 गिलास पानी डाल दिया है अकॉर्डिंग टू ग्रेवी, हमें जितना ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी के हिसाब से 3 गिलास पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब हम इसे उबलने के लिए कुछ टाइम छोड़ देंगे। अब इसमें उबाल आ चुकी है और जब ये उबाल आएगी तो साइड में आपका थोड़ा तेल भी आपको दिखेगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक जो कि आपको स्वाद अनुसार डालना है, लेकिन ध्यान दें ये नमक हम डाल रहे हैं ग्रेवी के लिए, क्योंकि हमने फिश को जब फ्राई किया था तो हमने ऑलरेडी नमक मिक्स करके फ्राई किया था, तो आप ध्यान में रख के नमक डालिए ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब नमक डालने के बाद हमें इसको चलाना है। अब हम इसमें डालेंगे फिश जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, वो सारे फिश हम इसमें डाल देंगे। फिश डालने के बाद अभी आप इसको एक बार चला दीजिए, अच्छे से चला दीजिए। अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुका है तो अब हम इसे खोल के ढककर, अब हम इसमें डालेंगे धनिया जो धनिया हमने पहले ही काट के रखा हुआ है, तो अभी इसमें हम डाल देंगे धनिया, खूब सारा धनिया डाल दीजिए। और धनिया डालने के बाद एक बार इसको चला दीजिए। हमारी फिश करी तैयार हो चुकी है। देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने फिश करी को बनाया और 2-3 चीज़ों को लेके ही हमने फिश करी बनाया और ये बन चुका है। अब इसे हम राइस के साथ खाएंगे। फिश करी जनरली राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है खाके, तो हम इसे खाएंगे राइस के साथ। तो हम अभी गैस बंद कर देते हैं। दोस्तों हमारी फिश करी रेडी है। अब मैं फिश करी को टेस्ट करता हूँ, एक बार मैं आपको बताता हूँ टेस्ट करके। इसको आप राइस के साथ अच्छा होता है फिश करी, तो राइस लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इसमें करी डाल दीजिए और मैं एक पीस भी निकाल लेता हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, लाजवाब बना है, लाजवाब बना है, इतनी टेस्टी बनी है। तो ये फिश करी कितना आसान है आपने देखा है। आप एक बार इसको ट्राई करिए और ट्राई करके आप कमेंट करना, बताना कि आप कैसा बना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी देसी खाना बनाऊं, देसी कोई डिश बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए।